पटना के जैन समाज ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज का पाटलिपुत्रा की भूमि पर भव स्वागत किया। जैन समाज के लोगों ने कहा कि वे मुनि श्री का स्वागत करके धन्य महसूस कर रहे हैं। स्वागत समिति के अजीत जैन, मुकेश जैन तथा सुरेंद्र जैन ने बताया कि मुनि श्री के पटना में मंगल प्रवेश के अवसर पर जैन समाज ने ओल्ड बाईपास पर बहादुरपुर में जुटकर स्वागत किया। मुनि श्री स्वागत में बंगाल से राजस्थान तक की झांकी दिखाई दी। जैन समाज के एमपी जैन ने बताया कि मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज आज 10 वर्षों के बाद पटना में पधारे। 10 वर्ष के बाद पटना का सौभाग्य एक बार फिर से जगा है। कांग्रेस के मैदान में भव्य जैन मंदिर उन्हीं की प्रेरणा से बना है। तब अपनी उपस्थिति में उन्होंने मंदिर का भूमि पूजन कराया था। 10 वर्ष के बाद उसी मंदिर में वो आज से 3 दिनों तक श्रद्धालुओं को अपना प्रवचन पुण्य लाभ कराएंगे। 10 वर्ष पहले 2012 में कांग्रेस मैदान स्थित जैन मंदिर का भूमि पूजन कराते हुए मुनि श्री प्रणाम सागर जी महाराज आज ओल्ड बाईपास के बहादुरपुर पुल के निकट पटना का समस्त जैन परिवार उनके अगवानी के लिए सुबह 7 बजे से ही जमा हुआ। यह भव गाजे बाजे के साथ मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज का शोभा यात्रा के साथ कांग्रेस मैदान स्थित जैन मंदिर ले जाया गया। हमें धर्म को सम्मान देना चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए,
और धर्मांधता से बचना चाहिए। धर्म है आप धर्म और कर्म वाला क्यों करते हैं? कर्म बेधर्म है, बस खटकर्म से बचते हैं।